नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जो शख्स जुड़ रहे हैं आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। आपको फिल्म याद है 3 इडियट्स, उसमें जो सेंटीमीटर थे वाकई में वो मिलीमीटर बन गए हैं। मेरे साथ राहुल, 3 इडियट्स में आपने इनको देखा होगा। जब मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मेरे साथ कौन है। लेकिन अब ये जो सेंटीमीटर थे ये एक नए अंदाज में बंदिश बैंडिट्स नाम के एक वेब शो में नजर आ रहे हैं। राहुल, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार जी। नमस्कार। I'm so sorry, but I was the millimeter and then centimeter became centimeter. Yeah. जी। दुष्यंत से तो हमारी इस बारे में हमने कई इंटरव्यूज किए हैं, पर आपसे कभी आज पहली बार बातें हो रहे हैं। तो जो ये डायलॉग था जो 3 इडियट्स का, आई थिंक जब आप ये फिल्म रिलीज हो गई, आपको कई लोगों ने बोला होगा। हाँ, मिलीमीटर और सेंटीमीटर हो गया, ये तो अब रोजाना सुनने का एक आदत सी पड़ गई थी। और बहुत अच्छी बात भी है, सुन के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे पता चलता है कि कितना वो मेरे काम को सराहते हैं, कितना मुझे प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जी। तो अभी आपका जो नया प्रोजेक्ट बंदिश बैंडिट्स किस तरह का है, पहला बार म्यूजिकल वेब सीरीज देखने को मिलेगी, तो आप इसमें कितने म्यूजिकल हो रहे हैं? कबीर इसमें एक्चुअली ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी म्यूजिकल नहीं है क्योंकि वो किसी घराने से बिलोंग नहीं करता है, उस पर किसी घराने का प्रेशर नहीं है। एक हैप्पी गो लकी बंदा है, एक जोधपुर का चीफ स्मार्ट लड़का है जो मस्ती जानता है सिर्फ, और रॉक सुनता है, पॉप सुनता है। उसको इस क्लासिकल म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो कबीर का तो इससे कोई ताल्लुकात नहीं है इस वेब सीरीज में जी। तो क्या काफी किसने गाना वगैरह सीखा आप खुद, कितने मतलब आपने के म्यूजिक की ट्रेनिंग ली है, या इस वेब सीरीज के लिए कुछ खास अंदाज या कुछ नया स्किल डेवलप करना पड़ा? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कबीर इसमें गाना नहीं गा रहा है शो में, बट पर्सनली मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ, लोगों को पसंद भी आता है, बट ट्रेनिंग मैंने कहीं से इसकी नहीं की है। तो शो में ज़्यादातर ट्रेनिंग ऋत्विक, नसीर सर एंड अतुल सर, शिवा मैम, श्रेया, इन सबको ज़्यादा पढ़ी क्योंकि ये लोग ज़्यादा उसको इनैक्ट कर रहे हैं। हमारा काम उसमें गाना बजाना नहीं था ज़्यादा, तो या तो आपके पीछे बड़ी खूबसूरत सीनरी देख रहा हूँ मैं बॉम्बे में, यहाँ पे हम कोरोना से लड़ रहे हैं लेकिन आप खुली वादियों में हैं, ये हवाएं, ये फिजाएं, आई एम सो सॉरी पीछे आई एम सो सॉरी। मैं बॉम्बे दिल्ली सब छोड़ छाड़ के कुछ एक दो महीने के लिए अपने होम टाउन आ गया हूँ उत्तराखंड में, एंड बस यही है। मेरा भी होम टाउन उत्तराखंड है लेकिन मैं नहीं जा सकता, मैं अल्मोड़ा से हूँ यहाँ पर, तो अल्मोड़ा में काफी खूबसूरत जगह है, ये एक चकोटिया करके बोलते हैं इसको, गनाई, तो मेरा गांव पड़ता है वहाँ पर, तो जी अच्छा टाइम यहाँ पर बिता रहा हूँ मैं जी। तो कितने लकी हैं आप जो आपको अपने होम टाउन में वो भी ऐसी खूबसूरत जगह में वक्त बिताने का मिल रहा है। तो ये बताएं शूटिंग का कैसी थी बंदिश बैंडिट्स की, आपने काफी खूबसूरत लोकेशन दिखाई दे रहे हैं, कहाँ कहाँ शूट किया, कोई मजेदार किससे शूटिंग किया अगर आप हमें बताना चाहें जी। मोस्टली हमने सारा टाइम अपना जोधपुर में बिताया है शूट करते वक्त, और बॉम्बे में कुछ शूट्स हुए हैं, बीकानेर में कुछ शूट्स हुए हैं, एंड कितने प्यारे लोग हैं राजस्थान में, आपको मैं बता नहीं सकता कि इतना उन्होंने हमको वेलकम किया है इसमें, एंड इतनी हॉस्पिटैलिटी उनकी इतनी अच्छी थी, हमको शूट में कोई परेशानी कभी नहीं हुई। और वहाँ के मैं स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मिर्ची पकौड़ा एंड ये सब चीज़ें, तो शूट करने में बहुत मज़ा आया वहाँ पर, एंड बहुत सारे किस्से हैं हमारे शूट के, मस्ती मजाक भी चलती रहती थी, और ये शूट कितना आसानी से निकल गया ये हमें पता नहीं चला, जबकि कभी कभी हमने डून्स वगैरह में शूट किया है, डेजर्ट में शूट किया है, तो वहाँ पर भी सिचुएशन हमारे लिए इतनी डिफिकल्ट नहीं हुई क्योंकि वहाँ के लोगों ने हमारे लिए इतना ईजी बना दिया शूट को। तो उत्तराखंड की बात चलिए, जैसे मैंने कहा मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, हरिद्वार में पला बढ़ा लेकिन मुंबई आ गया, ये कर्म भूमि है। तो उत्तराखंड के लोग जो हैं अभी काफी आ रहे हैं क्षेत्र में, अभी जैसे मधुरे मतुली से कल मैंने बात की थी, उससे पहले उर्वशी रौतेला और बहुत सारे, तो क्योंकि एक वो एक नया स्टेट है जहाँ पे इतने लोगों को मौके नहीं मिलते, तो आप उत्तराखंड से मुंबई तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली मेरी परवरिश और मैं जब जन्मा तो मैं दिल्ली में ही जन्मा हूँ, और मेरे पेरेंट्स वहीं पे रहे हैं, वो अपने
एम्प्लॉयमेंट के चलते वहाँ पर रहे, तो वो बहुत पहले ही शिफ्ट हो गए थे यहाँ से, जबकि दादा दादी यहीं पे थे। एंड देन उसके बाद मैं जब मैं व्हेन आई वाज 19 तो मैंने सोचा कि मुझे बॉम्बे जाना चाहिए, कुछ अपने बलबूते पे थोड़ा बहुत रह के देखना चाहिए कि क्या होती है दुनिया। देन मैं 19 साल की उम्र में अपने घर से बॉम्बे आ गया। तो उत्तराखंड आना जाना लगा रहता है, जैसे कि आपको पता है यहाँ हमारी देव पूजा होती है हर साल, हमको वो करने आना होता है। और बस यहाँ पर वो मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि जब मैं फोटोज डालता हूँ बोलते हैं कि हमें ऑक्सीजन दिख रहा है, फोटोज में हमें ऑक्सीजन दिख रहा है। तो बस वही ऑक्सीजन लेने के लिए अपना शुद्ध हवा, नदी है यहाँ पर, लाइफ सेट है। तो ये बताएं, मैं आपको फिर से फ्लैशबैक में ले चलूंगा, 3 डेज कैसे मिली थी और कैसे एक्सपीरियंस था सबके साथ शूट करने का, आमिर, माधवन, श्रमन, जितने भी सब लोग थे, करीना, सब लोग जितने लोग थे, इन सबके साथ आपने कैसा अनुभव था शूट करने का? 3 डेज को एक्चुअली अब 11 साल हो चुके हैं और मेमोरीज बहुत सारी है। 3 इडियट्स मुझे ऑडिशन के थ्रू ही मिली, उससे पहले मैं 2 फिल्में कर चुका था विशाल, मिस्टर विशाल भारद्वाज सर के साथ। उस फिल्म का नाम है ब्लू अम्ब्रेला और ओमकार का, तो मैंने वो फिल्में उनके साथ की थी। एंड उसके बाद मुझे ऑडिशन का मौका मिला एंड देन फिर मुझे 3 इडियट्स मिली। एंड काफ़ी कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं थिएटर करता आ रहा हूँ, जब मैं 4 साढ़े 4 साल का था तब से मैं स्टेज पे शोज करता आ रहा हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हम थिएटर में हमारी जो जो जिसको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं, एक्टिंग बोलते हैं, वो बहुत हमको थोड़ा ऐसा करना पड़ता है कि लास्ट रो तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारे मूवमेंट्स उनको दिखाई दें, जबकि कैमरा बहुत पास होता है तो उसमें बहुत सटल होता है काम कभी कभी। सो बहुत कुछ सीखने को मिला एंड टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा पता चली कि एंगल्स क्या होते हैं, कैमरा कहाँ लगेगा, तो लुक किधर देना है, ये सब है। तो वो सब वहीं से मेरी जो है ग्रूमिंग वहीं से शुरू हुई इस चीज़ की, और काफ़ी मज़ा आया। कितने बड़े बड़े एक्टर्स और इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा समझाते थे मुझे, जबकि जैसे कि राजू सर हैं, पवन सर, आमिर सर, पर्सनल लेवल पे मुझे छोटी छोटी चीज़ें बताते थे, तो काफ़ी हेल्प मिली मुझे और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जी, तो अभी आप पैंडेमिक की वजह से मुंबई में थोड़ा जिंदगी तो शुरू हुई है, मुंबई कब वापस लौटेंगे और क्या इरादा है आगे, कौन कौन से और प्रोजेक्ट्स हम आपको देख पाएंगे? और एक फिल्म मैंने पहले शूट की है, संदीप और पिंकी फराज, जिसे डायरेक्ट किया है मिस्टर दिवाकर बैनर्जी ने, प्रेजेंटेड बाय यशराज फिल्म। एंड उस फिल्म का आना था अभी, उसको रिलीज़ होनी थी मार्च में, बट सिंस ये सब हो गया तो वो हो ही नहीं रिलीज़ अभी। सो लगता है कि जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। और बाकी कुछ एड्स थे वो भी अभी ड्यू टू लॉकडाउन और इस कोरोना जो भी चल रहा है उसकी वजह से वो कैंसिल हो गए, बट अभी कुछ स्क्रिप्ट्स भी हैं, जैसे कि कुछ शोज़ हैं, वेब शोज़ ही हैं जिनके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ और जिन लोगों ने मुझे अप्रोच किया है कि आप आके इसके ऑडिशन में दें, तो उन्होंने जो मुझे समरी भेजी है, सिनॉप्सिस भेजी है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो जैसे कुछ अच्छा होता है देन बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे तो कर्म भूमि जैसे आपने बोला और ये जन्म भूमि है, तो बॉम्बे जाना ज़रूरी है और काम करना ज़रूरी है। बट सिंस वहाँ पर अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस मैंने सुना है अभी, और घर वाले भी हर समय श्योर नहीं रहते हैं कि अभी जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक फिर ऐसा हो जाएगा कि अरे, तो उनके दिल में भी एक थोड़ी ठंडक होनी चाहिए कि हाँ, नाउ ही कैन गो। बट जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो यस जस्ट हाँ, तो वो तो जाना ही पड़ेगा। जी जी, तो उम्मीद करते हैं जल्दी मुंबई आए। फिलहाल बंदिश बैंडेज के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, उम्मीद करें एक बार फिर से आप रॉक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ नाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।